हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड इन यूपीएससी सीसेट क्लास। टुडे वी विल डिस्कस डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी कुछ नॉलेज तो है डायरेक्शन की। आई थिंक सभी को नॉलेज है, जितने भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं सभी को डायरेक्शन की नॉलेज है। एक बेसिक आप ये कह सकते हो कि हमारी डेली लाइफ का एक बेसिक कंसेप्ट है, ओके, जिसके बारे में हमें पता, बस अगर हम थोड़ा सा उसको फर्निश कर लेते तो एग्जाम में आप इजीली इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, ओके। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, सभी ने लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना है, ओके। हाँ जी, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभिपीडिया आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आया है जिसका 7 डेज फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है। आप पहले ट्राई कीजिए, कोर्स को समझिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है इन दैट केस यू कैन गो फर्दर। अब यहाँ पे देखिए, 7 डेज फ्री ट्रायल कोर्स के अंदर आपको 300+ वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 300+ वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स, जैसे एक पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको वीडियोस मिल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ओके। दैट मीन्स कि आपको 300+ वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, हर एक जो आपके कंसेप्ट वाले जो लेक्चर्स हैं उनके साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं और साथ में एक क्विज भी मिल रही है। सो दैट कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है उसके बाद में तुरंत बाद अगर आप उस क्विज को सोल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, बिकॉज कंसेप्ट तो मस्ट है ना। तो आप एक बार इसको सभी ट्राई करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी ने इस कोर्स को ट्राई करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर आपको माइक्रो कोर्सेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, मीन्स 3000 बोल रही हूँ बेटा, 300+ वीडियो लेक्चर्स एंड 3000+ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ओके। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके सी सेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सभी ने एक बार ज्वाइन जरूर करना है इसको, 7 डेज का फ्री ट्रायल है, एक बार ट्राई करके देखो, आपको खुद को लगेगा कि कितना स्ट्रक्चर्ड वे से हमने इसको प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, कि आपका कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए, ओके। तो सभी ने इसको ज्वाइन करना है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, हाँ जी स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बेटे डायरेक्शन की, तो फोर डायरेक्शन सभी को पता है। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे निकाल लेते हैं इसको, ओके। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ओके, ये 4 डायरेक्शन है, सभी को पता है। अब आते हैं इनकी मिड डायरेक्शन। अगर हम इसकी मिड की बात करें, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दिस इज साउथ ईस्ट, ओके। उसके बाद में अगर इसी को हम इधर लेके जाते हैं तो ये हो गया आपके पास नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट, क्लियर। ये अपने डायरेक्शंस हो गए, बेसिक 4 डायरेक्शंस है, 4 उनकी मिड डायरेक्शन, तो टोटल 8 डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं तो अगर मुझे लेफ्ट में जाना है तो मैं किधर मूव करूं, राइट में जाना है तो मैं किधर मूव करूं, सिंपल सा पॉइंट है। तो अब देखो, अगर मैं नॉर्थ फेसिंग हूं, ओके, नॉर्थ फेसिंग हूं, दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं ए पे, बट मेरा फेस किधर है, इधर है, उस केस के अंदर अगर आपको राइट में मूव करना है तो आप इधर मूव करोगे, ठीक है, डन। अगर आपको लेफ्ट में मूव करना है तो आप किधर मूव करोगे, इधर मूव करोगे, पॉइंट इज क्लियर। सेम वे अगर आप साउथ फेसिंग है, अब यही छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं दैट मीन्स कि फिर इजी। अब देखो, अगर आप साउथ फेसिंग हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट है ए, बट मेरा फेस किधर है, साउथ की तरफ। अब देखो सिंपल सी बात, अब मैं इधर हूं, अब मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड किधर है, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, बट अगर ध्यान से एक बार देखना, अगर मान लो मैं फेस चेंज कर लेती हूँ, अब क्या हुआ, राइट इधर चला गया, मेरा लेफ्ट इधर चला गया, बात को समझ रहे हो। मींस कि अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपने फेस को चेंज करते हैं, तो फेस की डायरेक्शन के साथ साथ हमारा लेफ्ट और राइट भी चेंज होगा,
लेफ्ट और राइट भी चेंज होगा, इस छोटे से पॉइंट को समझ लो। तो अब देखो, अब अगर मान लो मैं इधर था मेरा फेस, ठीक है, उस केस में राइट इधर है लेफ्ट इधर है, ठीक है, ये राइट हैंड जैसे ही मैंने इधर मूव किया तो लेफ्ट ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, सिंपल सी बात है। दैट मीन्स व्हाट, कि लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट आपका इधर आ जाएगा, सिंपल। अब ये कब था, अगर हम नॉर्थ फेसिंग है या फिर साउथ फेसिंग है, ये पॉइंट है आपका नॉर्थ फेसिंग का, ये कब है साउथ फेसिंग का, क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है कि मैं नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग नहीं हूं, मान लो मैं ईस्ट फेसिंग हूं, मैं इधर जा रही हूं, ईस्ट फेसिंग हूं, ईस्ट फेसिंग हूं। अब उस केस के अंदर मैं कहती हूं कि भाई राइट साइड में मूव करना है, राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, तो अगर हम ईस्ट फेसिंग है, ओके, तो राइट कहां जाएगा डाउन और लेफ्ट कहां जाएगा अप, क्लियर। सेम वे अगर मैं वेस्ट फेसिंग हूं, वेस्ट फेसिंग हूं, दैट मींस कि मेरा फेस किधर है, अभी मेरा फेस इधर है ईस्ट की तरफ, अगर मान लो मैं ऐसे फेस कर लेती हूं, फेस मेरा चेंज हो गया, अब क्या हो गया डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, फेस इधर है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट जाना है, तो अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट कहां जाएगा मेरा डाउन और राइट मेरा कहां जाएगा अप। हां जी बताइए किसी को कोई भी माइनर सा डाउट, अगर माइनर सा भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ये मत सोचिए कि ऑफलाइन क्लास है तो अभी मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो 7 डेज अगर ट्रायल आप ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर तो लेकर आप कमेंट करते हो, सीधा मेरे पास मेल आएगी, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा जरूर, ज्वाइन करोगे, वहां पे हमने डाउट सेशन का एक स्पेशली कॉलम बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर आप वहां पे अगर आपके डाउट डालते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, क्या पता चला मुझे कि अगर मैं ईस्ट फेसिंग हूं तो राइट जो है मेरा डाउन जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट मेरा अप जाएगा, अगर मैं वेस्ट फेसिंग हूं तो अपोजिट हो जाएगा, ओके। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस, यस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या है, एक कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, एक कार ने पी पॉइंट से स्टार्ट किया, डन, एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। अब डायरेक्शन मुझे पता है ईस्ट किधर, ईस्ट देखो अभी हमने किया ईस्ट इधर, ठीक है। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से अगर गिवन है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाता है, आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा डायरेक्शन की तरफ मूव करा दोगे। बट अगर लेफ्ट राइट है उस केस में आपको ध्यान रखना है फेस का। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल कह रहा है एक कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ओके। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, यहां पर क्या कह रहा है, ईस्ट की तरफ मूव किया, आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, एंड इट टुक ए राइट टर्न। अब देखो राइट टर्न लेना है, अब यहां पे सोचो कि किस साइड है, ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, राइट टर्न लेना है, दैट मींस कि ऐसे आना पड़ेगा मुझे। अब क्या कह रहे हैं, राइट टर्न एंड अगेन मूव 15 मीटर, 15 मीटर उसने मूव कर लिया, देन आगे क्या कह रहे, इट लुक्स ए लेफ्ट टर्न, इट टुक्स ए लेफ्ट टर्न एंड अगेन आफ्टर मूविंग 10 मीटर ही टुक ए राइट टर्न। अब पहले क्या कहा उसने, देखो राइट टर्न लिया, अगेन आफ्टर मूविंग 15 मीटर ही टुक ए लेफ्ट टर्न। अब क्या है, हम साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है और कौन सा लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना, दैट मीन्स कि किधर जाएंगे, इधर, एंड अगेन मूव 10 मीटर, 10 मीटर ही टुक राइट टर्न। नाउ इधर जा रहे हैं हम ईस्ट की साइड, अब राइट टर्न लेंगे, दैट मीन्स कि कैसे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, ओके। विच डायरेक्शन इज द कार फेसिंग, नाउ अब कार का फेस किधर है, कार का फेस डाउन साइड, डाउन, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब क्या हो गया आपके पास में, साउथ फेसिंग है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर, साउथ। बताए किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बट ध्यान रखना लेफ्ट और राइट मूव करने का, फेस किधर है उसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, एक पर्टिकुलर पॉइंट है 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ का उसने साउथ, दैट मींस के नीचे की साइड आ गया, एंड रीचेज एट पॉइंट बी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, बी है, रीचेज पॉइंट बी, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर। अब जब वो
साउथ की तरफ आया है तो उसने लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, इधर, ठीक है, और कितना चला 8 मीटर एंड रीचेस एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे पहुंच गया वो, देन ही देन टेक ए राइट टर्न, अब यहां से उसने राइट टर्न लिया, नीचे की साइड आया एंड वॉक 6 किलोमीटर, सॉरी 6 मीटर, किलोमीटर नहीं है बेटा, मीटर है, देन He take a final right turn. अब यहां से उसने अगेन क्या किया है, राइट टर्न लिया है, राइट टर्न लेके क्या कह रहे राइट टर्न एंड वॉक 6 मीटर, और यहां से 6 मीटर चला. देखो पहले क्या था आपके पास में, 5 मीटर चला साउथ में, देन बी पे पहुंच गया, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया 8 मीटर चला गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया, एंड ही टेक ए राइट टर्न, सी पॉइंट से उसने राइट टर्न लिया, नीचे की तरफ आ गया, उसके बाद में वो 6 मीटर चला. He takes final right turn. Again उसने right turn लिया है, right turn south facing है, right turn and 8 meter to point reach a point D. और फिर 8 चला. अब यहाँ पे जब आप draw करते हो ना बेटा, हाँ जी, एक और important बात, जब आप draw करते हो ना ध्यान रखो, सीधी सी बात है scale से तो हम इसकी स्केलिंग कर नहीं रहे लाइंस की, हम हाथ से एक रफ ड्रॉ ही बना रहे, तो जब आप रफली ड्रॉ करते हो तो उसमें भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो डिस्टेंस ज्यादा है तो थोड़ी सी लाइन को बड़ा कर देना. अब जैसे यहाँ पे 8 है तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ जी 8, ये भी 8 था, ये भी 8 था, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचेगा. ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, कोशिश करो, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो वैल्यूज आएंगी नहीं कि हाँ जी बिल्कुल आप एग्जैक्टली करोगे, बट कोशिश करो कि हाँ जी थोड़ा सा इस हिसाब से आप करो कि जो डिस्टेंस ज्यादा है उसके लिए लाइन थोड़ी लंबी ड्रॉ हो जाए, स्मॉलर है उसके लिए थोड़ी छोटी ड्रॉ हो जाए. ओके, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. डन. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है. अब यहाँ पे देखिए अपने पास में सी पॉइंट तो ये था, ठीक है, और डी पॉइंट ये है. अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उस केस में ध्यान क्या रखना है, सीधा जिन जिन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है उनको सीधा मिला दो. अब जैसे यहाँ पे सी और डी का डिस्टेंस क्या है, उसने मैं और सी और डी को डायरेक्टली ऐसे मैंने मिला दिया. ठीक, जैसे ही हम ऐसे मिलाएंगे उस केस में देखो कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कहां से बन रहा है. अब देखो यहां से अगर हम देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखाई दिया तो उससे मुझे क्या पता चला कि या तो पाइथागोरस लग जाएगी. अब ज्यादा पाइथागोरस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कंसेप्ट को समझो. पाइथागोरस थ्योरम नाम बड़ा है बेटा, बल्कि कंसेप्ट इजी है. क्या कहता है कि अगर मेरे पास में इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और मेरे पास में कोई भी दो साइड्स गिवन है, जैसे यहीं पे है हमारे पास में 6 और 8, तो इस साइड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, जो ये वाली हमारी साइड है इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स और उसका स्क्वायर रूट कर दो. कितना आ गया, 36 प्लस 64 कितना आ गया बेटा 100, और ये हो गया हमारे पास 10. सो 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर. डन. एक और पॉइंट, अगर ऐसा होता किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि जो ये बिगर वाली डायरेक्शन साइड है हमारे पास में ये गिवन होती मान लो और ये मुझे फाइंड आउट करनी होती, फिर क्या करते, फिर माइनस कर देते 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट. डन. सो आई होप सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट. क्या किया मैंने, इसको हमने फाइंड आउट करना है इस डायरेक्शन को सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर सभी को आता है, ये हो गया 36, ये हो गया हमारे पास 64 स्क्वायर रूट. ओके, पहले सभी की कैलकुलेशन कर लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी 100 स्क्वायर रूट किया, कितना आ गया आपके पास में 10. तो देखिए अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो भी आप इजीली कर लोगे, समझ आ गया. इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था हमें, साथ में डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो आई होप डिस्टेंस भी सभी कैलकुलेट कर लोगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ए डायरेक्शनल पोस्ट इज इरेक्टेड ऑन ए क्रॉसिंग. एक क्रॉसिंग है जिसपे इस तरह से डायरेक्शनल पोस्ट बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्शनल पोस्ट बना हुआ है, दैट मींस कि वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है और उसके ऊपर पर्टिकुलर डायरेक्शंस होंगी. डायरेक्शंस क्या हैं कि ये क्या है अपने पास में, हमें पता है ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है. डन. इन एन एक्सीडेंट इट वॉज टर्न इन सच ए वे दैट द एरो विच वॉज फर्स्ट शोइंग ईस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ. अब क्या हुआ, ड्यू टू एक्सीडेंट उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, वो मूव हो गया, मूव हो गया, तो दैट मीन्स कि जो उसके एरोस थे वो भी मूव हो जाएंगे. जो ईस्ट वाला एरो था वो भी चेंज हो गया, साउथ वेस्ट नॉर्थ सारे उसके एरोस चेंज हो गए, वो ये कह रहा है. और चेंज होके कैसे बन गया वो, हाँ जी, क्या कह रहा है वो,
क्या कहा उसने? हाँ जी, फर्स्ट द एरो विच वाज फर्स्ट शोइंग ईस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ. कि इसको ये क्या कह रहा है? नॉर्थ कह रहा है. क्या कह रहा है? जो ईस्ट था वो भैया बन गया नॉर्थ. दैट मींस व्हाट? कि ये सारे का सारा 90 डिग्री से ऐसे मूव हो गया, ऐसे था पूरा, ऐसे हिल गया. अब देखो, अगर ये नॉर्थ बना तो दैट मींस कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? ईस्ट बन जाएगा. ये अपने पास में क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा. और ये हमारे पास में क्या आ गया? वेस्ट बन गया. पॉइंट क्लियर हुआ? देखो इसने क्या कहा है, फर्स्ट शोइंग ईस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ. भाई जो ईस्ट था वो क्या बन गया? नॉर्थ. दैट मींस कि ये वाला ऐसे मूव हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? नॉर्थ. फिर ये अगर ऐसे मूव हुआ तो ये इधर ऐसे मूव हो जाएगा, ये ऐसे मूव हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास में ऐसे मूव हो जाएगा. यही कह रहे हैं. तो इसका मैंने साफ साफ आपको इधर ड्रॉ कर दिए. अब यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन क्या है. ए पासर बाई वेंट इन ए रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट इट इज ईस्ट. एक पासर बाई, अब जो एरो बने हुए हैं तो बंदा तो यही सोचेगा ना कि हाँ जी जो ये ईस्ट बता रहा है उसी डायरेक्शन में मैं मूव करूं, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है. तो वो यही कह रहा है यहाँ पे कि ए पासर बाई वेंट इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट इज ईस्ट. क्या सोच रहा है वो? ईस्ट है. इन विच डायरेक्शन ही इज एक्चुअली ट्रेवलिंग नाउ. तो ये बताओ कि एक्चुअली में वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है? उसको लग रहा है कि मैं ईस्ट में मूव कर रहा हूं. तो अब हमने यहाँ पे क्या देखना, ईस्ट की डायरेक्शन अभी क्या बन गई है ना? यहाँ पे यही कह रहा है ना, वो कैसे क्या सोच रहा है कि भी मैं ईस्ट में मूव कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? ईस्ट के अंदर हूं. बट अब देखो ईस्ट क्या बन गया? ईस्ट तो ये था, है ना? ईस्ट क्या बन गया हमारे पास में? नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया. देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि फर्स्ट शोइंग ईस्ट इज नाउ शोइंग नॉर्थ. जो ईस्ट था वो अभी क्या बन गया? नॉर्थ बन गया. ईस्ट क्या है? वो बन गया हमारे पास में नॉर्थ. अब बंदा सोच रहा है कि भाई मैं ईस्ट में मूव कर रहा हूं. अब ईस्ट में मूव कर रहा हूं तो ये तो रॉन्ग है ना. देखो ये वाला जो है वो रॉन्ग है ना. अब उसको क्या लग रहा है कि भाई मैं तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, पर अब ये बताओ क्या वो एक्चुअल में ईस्ट है? ईस्ट नहीं है. ये कौन सी डायरेक्शन? ये तो साउथ है. दैट मींस कि वो एक्चुअल में साउथ में मूव कर रहा है, बट उसको क्या लग रहा है कि मैं ईस्ट में मूव कर रहा हूं. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? साउथ विल बी द करेक्ट आंसर. पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब आप देखो कि ये एक इजी पार्ट है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आप इजीली आपका 2.5 से 5 नंबर तो इजीली पक्का से पक्का ही है. क्योंकि 5 नंबर का भी मतलब 2 क्वेश्चन आ गए तो सीधे 5 नंबर बन गए आप लोगों के, है ना. अगर एक क्वेश्चन आ गया तो 2.5 बन गए, 3 आ गए 7.5 बन गए. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक्स 22 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए. ए पर्सन वॉक्स 22 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड देन टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर. ऐसे गया, ठीक है. अब देखो ईस्ट की साइड जा रहा है, लेफ्ट के अंदर जब वो टर्न कर रहा है तो कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा. ये था 22 और ये है हमारे पास में 6, ठीक है. अब उसके बाद में उसने क्या कहा, देखो अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 मीटर. अब राइट के अंदर उसने टर्न किया और 7 मीटर चला राइट. अब यहां से राइट कहां जाएगा? इधर नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग. दैट मींस कि राइट किधर चला गया? इधर चला गया. एंड रीचेस एट ए पॉइंट पी. अब यहां पे क्या कहा है, एंड रीचेस एट ए पॉइंट पी आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टुवार्ड्स हिज राइट. कह रहा है अब यहां से वो 6 मीटर राइट में चला है, दोबारा से राइट में. दैट मींस कि अब देखो ईस्ट फेसिंग है राइट, दैट मींस कि डाउन जाएगा ना. तो यहां पे 6, दैट मींस कि इसके लेवल पे आ गया वो. ओके, एंड कहां पे पहुंच गया? पी पॉइंट पे पहुंच गया. ये पॉइंट क्या है उसका? पी है. अब यहां पे देखो कंफ्यूज मत होना, यहां से पी पॉइंट नहीं आ रहा. उसने क्या कहा, एंड वॉक्स 7 मीटर एंड ही रीचेस द पॉइंट पी आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर. इस आफ्टर जो कीवर्ड है इसको ध्यान से समझो, आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टुवार्ड्स राइट. ओके, अब यहां पे पहुंच गया पी पॉइंट्स पे. Finally he turns right. अब यहां से उसने right turn लिया. Right turn that means कि इधर आएगा. Right turn लिया. अब यहां पे आप देखिए कि जब वो right turn ले रहे हैं, right turn and stop at point B after walking 19 meter towards west. West की तरफ किधर चल रहे? 19. अब 19 चल रहे, यहां से 19. That means कि same level पे चलेगा. 6, 7 तो यही हो गया, ठीक है. 19. That means कि 12 ये हो गया. Total कितना हो गया?
19. Okay, what is the distance to reach the starting point B? From B, अब कह रहा है कि इस B point से यहाँ पे B point पे पहुँच गया वो, ठीक है? अब कह रहा है कि कितना और उसको distance cover करना पड़ेगा B point तक पहुँचने के लिए? पहले ये बताओ question समझ आ गया सभी को? साथ में जो अभी मैंने draw किया है इसका directional diagram, I think वो भी सभी को clear है? एक बार दोबारा से करवा देते, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ students यहाँ पे after में confused ना हो जाए। ध्यान से देखो, पहले वो 22 मीटर चला ईस्ट के अंदर, हमने 22 चला दिया ईस्ट के अंदर। ये जो ब्लू लाइन है बेटा, ये ईस्ट के अंदर इसको डिनोट कर रही है, दिस इज ब्लू लाइन, ठीक है? ये ओवरलैप कर रही है लाइन, ध्यान रखना। देन 22, उसके बाद में उसने क्या कहा है, टुवर्ड्स ईस्ट पॉइंट ए एंड टर्न्स हिज लेफ्ट लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर, यहां से 6 यहां पे गया वो। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 7 मीटर, 7 मीटर चल दिया। ही रीच द पॉइंट पी After, अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, अगर फुल स्टॉप होता दैट मीन्स कि P पॉइंट ये होता आपका, बट यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, आगे है सेंटेंस क्या है, आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स कि इतना चलने के बाद दिस इज द P पॉइंट। देन ही टर्न्स राइट एंड स्टॉप पॉइंट B आफ्टर वॉकिंग 19, अब B पॉइंट पे जाके वो रुक गया, कब, 19 मीटर चलने के बाद में, 19 मीटर उसको और चला दिया हमने। अब देखो यहाँ पे पहुंच के, अब कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा 7 तो ये हो गया, ठीक है, 12 ये हो गया, दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो 22 था पूरे का पूरा, उसमें से 19 वो चल दिया है, जब वो 19 चल दिया है तो कितना बच गया उसके पास में, हाँ जी 22 था पूरे का पूरा डिस्टेंस, 22 के अंदर से, 22 डिस्टेंस के अंदर से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने कहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का कितना था, ये 22 था, ये 7 था, 7 ये यहां तक चल दिया, ठीक है, अब इस 22 के अंदर से 12 ये चल दिया, अब बच गया कितना, 10 ही तो बचा, दैट मीन्स कि अगर 10 और चलेगा तो वो पहुंच जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, 10 मीटर, 4 नहीं बेटा 10 है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 10 मीटर विल बी द करेक्ट। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्टॉप एट पॉइंट बी। ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ए से चलना शुरू किया एंड वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्टॉप एट पॉइंट बी। नाउ ही टेक्स ए राइट टर्न, राइट टर्न लिया, नॉर्थ फेसिंग है, राइट टर्न ले लिया, ठीक है, एंड फॉलोड बाय लेफ्ट टर्न, अब यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, दैट मींस कि यहां पे चला गया, एंड स्टॉप एट पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी, ओके। ही फाइनली टेक्स ए लेफ्ट टर्न, अब यहां से उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है एंड स्टॉप एट पॉइंट डी, अब यहां से लेफ्ट टर्न लेके डी पॉइंट पे आ गया। देन टुवार्ड्स विच डायरेक्शन द मैन हैज टू वॉक फ्रॉम डी टू बी, अब डी से बी की तरफ जाने के लिए उसको कौन से डायरेक्शन के अंदर मूव करना पड़ेगा। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर। देखो अगर यहाँ पे आपके पास में ये वाली लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, भूल जाओ इसको, अब क्वेश्चन है, अब करो सॉल्व। अब मुझे नहीं पता कि कितनी कितनी दूरी पे चला है, कितनी कितनी, अब ऐसा भी तो हो सकता है यहां से वो सिर्फ यहां तक ही चला है, अब यहां से इस पॉइंट से उसको यहां तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि साउथ वेस्ट में मूव करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे है दैट मीन्स कि साउथ में मूव करना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा सा इधर चल दिया तो अब उसको साउथ ईस्ट में मूव करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाता है आपका, कांट बी डिटरमाइंड, बट यहाँ पे हमारे पास में एक लाइन और गिवन है, क्या, If he walks 10 meter before turning each turn, हर एक पॉइंट से जब वो टर्निंग ले रहा है उस टाइम पे हर बार वो कितना चलने के बाद ले रहा है टर्न, 10 मीटर चलने के बाद में, ओके? तो यहाँ पे बेटा ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सारे पॉइंट्स क्या है 10-10 है। अब वो क्या कहा है उसने कि अब बताओ डी से बी की तरफ जाने के लिए उसको कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, साउथ के अंदर चलना पड़ेगा, ओके? तो यहां पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, साउथ विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, डी से बी तक पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा उसको, साउथ में चलना पड़ेगा, ओके, पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन वॉक्स 40 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, ए मैन वॉक्स 40 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। यहां से नॉर्थ में गया 40, नॉर्थ में गया एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ फेसिंग है, दैट मींस कि लेफ्ट किधर जाएगा, इधर, और कितना चला वो 40। अगेन क्या कह रहा है, लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब आगे फिर टर्न ले रहा है, वो क्या टर्न है, कह रहा है ही देन टर्न्स हिज लेफ्ट। अब इधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है, दैट मींस कि वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, और साथ में वो क्या कह रहा है, यहां से ही देन टर्न लेफ्ट। अगर मान लो वेस्ट फेसिंग है तो लेफ्ट में किधर जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, और कितना चला वो 50। बेटे ये 40 है, ये हमारे पास 40 है, देखो डिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, देन उसके बाद 15 है, 15 हम थोड़ा सा इतना बना देते हैं, ठीक है, 15 मीटर। ही फाइनली टर्न्स राइट, अब क्या है, साउथ फेसिंग है, और क्या कह रहा है वो, राइट में टर्न लिया उसने, और राइट में टर्न लेके कितना कह रहा है, ही फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, 20 मीटर चल दिया वो। अब यहां से राइट टर्न लेके 20 चल दिया, दैट मींस कि ये डिस्टेंस हो गया 20, ये क्या होगी उसकी फाइनल पोजीशन होगी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में। अब हम देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो जिन जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस चाहिए मुझे उनको सीधा मैच कर दो, ठीक है। अब ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, इन दोनों को सीधा ऐसे मैच कर दो, क्लियर। अब हमने क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल अपने माइंड में ड्रॉ करना है, तो ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये बन गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस कैसे आएगा, ये देखो ये लेंथ कितनी, अगर मैं ये देखूं तो 20 ये, 40 ये, दैट मींस कि 60 स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये देखो 15 तो ये थी, टोटल कितना हमारे पास में 40, दैट मींस कि ये कितना हो जाएगा 25, दैट मींस कि दूसरा कितना हो गया 25, क्लियर, कितना हो गया 3600 + 625, ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 6742, शॉर्टकट आपका आई होप पता है। ये देखो जिसके लास्ट में 25 होता है तो उसके अंदर क्या चेक करना है, किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बना है, 6 × 7 = 42, तो क्या आ जाएगा 65। दिस इज नॉट रूट, रूट तो मैंने सोल्व कर दिया ना बेटा, ये रूट नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 65। दैट मीन्स कि 65 का तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहां से वॉट इज द डिस्टेंस ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है एंड इन विच डायरेक्शन। अब डायरेक्शन और बतानी है, अब यहां से इसको देखो कि ये कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की साइड जा रहा है, दैट मींस कि नॉर्थ साइड जा रहा है, दैट मींस कि वेस्ट, तो क्या आ गया आपके पास में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड 65 मीटर, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ऐसा भी हो जाता है एग्जाम के अंदर कि पजल की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, मींस कैसे कि एक आपके पास में ये डायरेक्शन का बनाना है, डायरेक्शन का आपका डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होगी, उसके बाद उसी के ऊपर आपके 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है, हर्ष गो टू ए मॉर्निंग वॉक। अब इस केस में भी क्या करना, घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बल्कि ये तो ज्यादा इजी हो गया, एक बार ही डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखो कैसे, हर्ष गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सो ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टुवार्ड्स नॉर्थ एंड रीचेस बी आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर। अब यहां पर क्या कहा उसने, अब यहां पर कीवर्ड को ध्यान से देखो, एक आफ्टर कीवर्ड यूज हो रहा है, क्या है, He started from point A towards north and reaches at point B after walking 10 meter. That means कि ये जो distance है ये कितना है, 10 है, okay? At B, he turns towards his right. अब क्या है, वो north facing है, right किधर जाएगा, इधर जाएगा and walks 6 meter to reach at point C. Clear? From C he take a left turn. अब इधर से उसने left turn लिया, left turn and walk 4. अब यहां से वो 4 चला, ये point था C और यहां से वो 4 meter चला, 4 meter to reach at point D.
यहां से वो डी पॉइंट पे पहुंच गया, फ्रॉम डी ही टर्न्स टू राइट, अब यहां से उसने राइट टर्न लिया एंड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही रीच एज पॉइंट ई। अब ये 5 बेटा ज्यादा लंबा बन गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, लाइक दिस इज 5, ओके क्लियर है यहां तक, कोई डाउट क्या है आपके पास में, क्या है क्या है उसने, देन ही टर्न 4 मीटर टू रीच एट पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी ही टर्न्स टू हिज राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही रीच एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पे पहुंच गया वो, फ्रॉम ई ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, अब ई से उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न दैट मीन्स कि ईस्ट फेसिंग है, दैट मीन्स कि डाउन जाएगा वो एंड वॉक 14 मीटर 14 मीटर टू रीच एट पॉइंट एफ, अब यहां से वो 14 चला और यहां पे पहुंच गया एंड दिस पॉइंट इज एफ, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर फ्रॉम एफ इन राइट, अब साउथ फेसिंग अगर वो है राइट दैट मीन्स कि किधर जाएगा, इधर जाएगा, यहां पे पहुंच गया, फ्रॉम एफ इन राइट डायरेक्शन ही फाइनली रीच द डेस्टिनेशन, दैट मीन्स दिस इज द डेस्टिनेशन, क्लियर। अब यहां पे ये अपना डायग्राम ड्रॉ हो गया, अब इस पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर्ष फाइनल पोजीशन एंड पॉइंट सी, फाइनल पोजीशन और सी के बीच में डिस्टेंस बताना, फाइनल पोजीशन तो ये है, सी ये है, अब डिस्टेंस बताओ कितना है, ये टोटल कितना 14, ये यहां से यहां तक कितना था 10, यहां से यहां तक कितना है 10, ठीक है, दैट मीन्स कि ये पूरा कितना आएगा, ये भी 10 होएगा, तो आंसर क्या आ गया 10 विल बी द करेक्ट आंसर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजिशन दैट मीन्स की डेस्टिनेशन एंड सी विल बी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू हर्स फाइनल पोजिशन, ए विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पोजिशन, अब ए देखो ये है फाइनल पोजिशन, कौन सी है, ये है ए, अब कहां पे है ये वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, दोनों सेम लेवल पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर, हां जी वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, जो ए है ए फाइनल पोजिशन से किस में है, वेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर्स फाइनल पोजिशन एंड स्टार्टिंग पोजिशन, फाइनल एंड स्टार्टिंग पोजिशन, अब देखिए स्टार्टिंग पोजिशन कौन सी थी, ए से स्टार्ट किया था, फाइनल पोजिशन ये है, अब यहां पे देखो, अब ये यहां से यहां तक चल लिया था 5, ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास में, दिस इज 6, देखो ना ये यहां से यहां तक गया था 6, दैट मीन्स कि ये है, ये 5 तक ही इसने कवर कर लिया, दैट मीन्स कि ये कितना रह गया 6, सो आंसर विल बी 6, ओके, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 6 विल बी द करेक्ट आंसर, डन। सो आई होप डायरेक्शन पे अब किसी को कोई भी माइंड में ऐसे इश्यू नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, हाँ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूर जरूरत है, तो प्रैक्टिस सभी ने करनी है, क्लियर। हाँ जी, वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू कि भी सभी ने ट्रायल क्लासेस को ज्वाइन करना है, दोबारा से मैं रिमाइंडर दे रही हूँ आप लोगों को कि सभी ने 7 डेज क्लासेस को ज्वाइन करना है, ठीक है, इसके अंदर आपको काफी कुछ मिलेगा और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर इस कोर्स को आप अच्छे से कर लेते हो, अगर ट्रायल में जाना है ट्रायल में चले जाओ, ठीक है, खरीदना खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, अब बात यह है कि पहले एक बार ट्रायल लो उसके बाद इसको समझो, मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपको इसको प्रॉपरली क्लासेस लगाते हो तो आपका सी सेट काफी अच्छे मार्क्स से क्रैक हो जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट सभी ने ज्वाइन करना है। दूसरा एक और पॉइंट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, 7 डेज ट्रायल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आपने एक बार एक्सप्लोर करना है और ज्वाइन करना है, टेलीग्राम और अपना जो फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें जितनी भी अपनी लेटेस्ट वीडियोज आ रही है, इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन डेली का, क्वेश्चन ऑफ द डे,
आपको डेली मिल रहा है, वो भी वो वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी सभी ने सॉल्व करके आंसर भी दिया करो, जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ज्वाइन कर रखा आंसर भी करा करो, इससे मुझे पता चले कि हाँ जी कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।